एक नया रूप देखने को मिलेगा विद्युत जामवाल की एक्टिंग का। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं खुदा हाफिज मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट और राइट एक ही इंसान ने किया, फारूक कबीर ने। इसमें कास्ट है विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबरॉय, अनु कपूर। ये तकरीबन 2 घंटे और कुछ मिनट की मूवी है। इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ। समीर जिसे प्ले किया विद्युत जामवाल ने, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी होती है नरगिस जिसे प्ले किया शिवालिका ओबरॉय ने। ये दोनों शादी करके बहुत ज्यादा खुश हैं और लखनऊ में रह रहे हैं। और 2008 का समय आता है जब रिसेशन स्टार्ट होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इस रिसेशन, इस मंदी के कारण इनकी जॉब चली जाती है। और ये जॉब ढूंढते ढूंढते ये पहुंचते हैं नोमान में। सबसे पहले जाती है नरगिस, जहां पर इसका सबसे पहले मतलब कहते हैं कि वर्क वीजा लगता है, जो भी लगता है, ये सबसे पहले वहां चली जाती है। और इसके हस्बैंड को कहा जाता है कि 5 दिन बाद तू भी चला जाइयो। लेकिन जब ये जाती है वहां पर, ये जिस्म फिरोसी के धंधे में फंस जाती है। और वहां से जैसे तैसे ये फोन करती है समीर को, बताती है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तब समीर नोमान जाकर अपनी वाइफ को बचाने का फैसला लेता है और वो जाता है वहां पर। शुरुआत के फर्स्ट हाफ की बात करूं तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये आपको बांध के रखेगा। लेकिन सेकेंड हाफ जैसे ये आता है, ये थोड़ा सा आपको लंबा लगने लग जाता है। ये मूवी चाहते तो थोड़ी सी छोटी हो सकती थी। इसमें कुछ ऐसे सीन है जिनको जानबूझकर इसमें डाला गया है, और ऐसा उनको देखकर लगता है कि उनकी कोई जरूरत भी नहीं थी। एक्शन की बात करूं तो विद्युत जामवाल का जो एक्शन है वो इसमें इमोशन के साथ दिखाया गया है। आपको एक सीन इसमें देखने को मिलेगा, आप खुद फील करोगे वो सीन को, कि आप जिसे चाहते हो और आपके चाहने वाले को आपकी आंखों के सामने कोई जबरदस्ती आपको आपसे उसको दूर कर रहा है, तो उस वक्त जो गुस्सा होगा, जो इमोशन होंगे, वो चीज जो है वो एक्शन के थ्रू इस मूवी में दिखाई गई, वो कमाल की है। अब इस मूवी में एक छोटा सा एक सस्पेंस भी है, खैर मैं उसको नहीं बताने वाला हूं। और जब समीर जो है वो अपनी वाइफ को बचा रहा है, तो उसके पीछे पूरे नोमान की जो वो पुलिस पड़ गई है। अब देखने वाली बात यह है कि वो अपनी वाइफ को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। इन सब चीजों के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। VFX की बात करूं तो VFX इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। और अगर एक्टिंग की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, तो विद्युत जामवाल ने इस बार कमाल कर दिया। उनका एक इमोशनल रूप जो इसमें देखने को मिला, उन्होंने बहुत ज्यादा खूबसूरती से निभाया। अनु कपूर ने भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की, और बाकी अन्य कलाकारों ने भी अपनी किरदार को बहुत ईमानदारी से निभाया है। दोनों हस्बैंड वाइफ जब उनकी जॉब चली जाती है, तो उसको जो जॉब जाने का जो एक डर है, वो उनके चेहरे पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। एक दूसरे से जो प्यार करते हैं उस चीज को, और एक दूसरे से बिछड़ने को, यानी कहूंगा कि इसमें जो एक्सप्रेशन है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब कहानी की बात करें तो कहानी अच्छी है, बट थोड़ी सी लंबी है। और कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप विद्युत जामवाल को पसंद करते हो, तो आप उनकी एक्टिंग का एक नया रूप देखना चाहते हो, तो आप ये मूवी देख सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देखी है तो प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो मैंने ऑलरेडी कहा कि आप अगर फैन हो तो आप जाके मूवी देख सकते हो। कहानी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पूरा ब्रीफ ही दिया है मैंने आपको, कोई स्पॉइलर नहीं दिया। बस खैर आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।